सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। इंडिया अगले साल अपने नए लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर को टेस्ट करने जा रहा है। इंडिया अपने नए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD के फेज 2 इंटरसेप्टर मिसाइल्स और दूसरी फ्यूचरिस्टिक वेपन्स को अगले साल टेस्ट करेगा। अगले साल इंडिया की पहली फर्स्ट फ्लोटिंग टेस्ट रेंज भी तैयार हो जाएगी और इसके तैयार होने के साथ ही डिफरेंट रेंजेस पे ट्रायल्स किए जा सकेंगे। इस रेंज में लैंड मास की लिमिटेशन नहीं होगी क्योंकि ये ज़मीन पर नहीं किया जाएगा और इसके साथ ही जनरल पॉपुलेशन को भी इससे कोई ख़तरा नहीं होगा। सिर्फ कुछ ही देशों के पास फ्लोटिंग टेस्ट रेंज है। DRDO द्वारा डिज़ाइन की गई FTR एक 10,000 टन की शिप है जो कि 200 मीटर लंबी है और 60 मीटर चौड़ी है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम एस बैंड रडार ट्रैकिंग एंड टेलीमेट्री डिवाइसेस से इक्विप्ड है और इसके साथ ही एक इसमें एक लॉन्च पैड है, एक लॉन्च कंट्रोल और मिशन कंट्रोल सेंटर है। हालांकि मिसाइल एस्टेब्लिशमेंट फ्लोटिंग टेस्ट रेंज के बारे में ज़्यादा नहीं बता रही, हिंदुस्तान टाइम्स को ये पता चला है कि ये शिप कन्वेंशनल मिसाइल्स को लॉन्च कर पाएगी जिनकी रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी। FTR को अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि इसे लॉन्ग रेंज वेपन के थ्रस्ट को हैंडल करने के लिए नहीं बनाया गया है। FTR में इंटरिम टेस्ट रेंज की सभी कैपेबिलिटीज हैं। इसके बन जाने के बाद हमें लोगों की सेफ्टी के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। इसी के साथ हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी टेस्ट कर पाएंगे। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का फेज 2 एनिमी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। यह सिस्टम 2000 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। फ्लोटिंग टेस्ट रेंज के बन जाने के बाद हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लाइव टेस्ट कर पाएंगे। इसके साथ इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इम्प्रूव सिंगल हॉट किल प्रोबेबिलिटी रेशियो के साथ और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। ये टर्म सरफेस टू एयर वेपन्स के लिए यूज़ की जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।